हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, आज हमारा टेक्निकल ट्रेड से संबंधित 2500 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का जो सीरीज़ चल रहा है उसका पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने 5 पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन लोगों ने ना देखा हो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे इससे पहले। और जो अभ्यर्थी ट्यूबवेल ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हो जहाँ पूरा कोर्स उनका अवेलेबल है। 2 सितंबर तक मैंने पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दिया था, तो बहुत सारी वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी आपको। और फ्रेंड्स, ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये उन सभी परीक्षार्थियों के लिए हैं जिनके परीक्षा में ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनको निश्चित तौर पर इन क्वेश्चन से लाभ मिलेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है तो वो सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, चाहे वो UPPCL की TG2 की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो ट्यूबवेल ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हों, या किसी भी क्षेत्र से तैयारी हो। अगर उनके पेपर में टेक्निकल क्वेश्चन या ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उनके लिए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को एंड तक देखिएगा फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको क्या वीडियो कैसी लगी और क्या आप ऐसे ही वीडियो आगे चाहते हैं। और फ्रेंड, अगर जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि डेली के टेस्ट की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। और फ्रेंड, अगर आपके परीक्षा में समान ज्ञान, समान विज्ञान और समान हिंदी यानी हिंदी GK GS के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने इंपॉर्टेंट MCQ प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। हर प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन करवाता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर एक बार जरूर विजिट कीजिए, बहुत सारे काम के वीडियो आपको मिलने वाले हैं वहाँ पर। और फ्रेंड्स, अगर लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सारे क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिक से संबंधित होंगे, आज का टॉपिक इलेक्ट्रिक से है, सारे जितने क्वेश्चन हैं सब इलेक्ट्रिक से संबंधित होंगे। पहला क्वेश्चन है, परिपथ का वह गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है विद्युतीय विभव में अंतर। नेक्स्ट है आपका, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए गए हैं वो है किरचाफ का नियम। और फ्रेंड्स, अगर इस क्वेश्चन का PDF आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वीडियो पब्लिश होने के बाद में PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो हमारे वीडियो के लिंक में, इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में सारे PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे, किसी विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर धाराओं का बीजगणितीय योगफल होता है शून्य। नेक्स्ट है, किरचाफ का लूप नियम किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, तो वह है ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित है। नेक्स्ट है, किसकी सहायता से सेल का विद्युत वाहक बल मापा जाता है, तो वह है विभव मापी से। नेक्स्ट है आपका, धातु के ताप को बढ़ाने से उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, वह है बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियत विभवांतर में किसी विद्युतीय परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर देने से उत्पन्न ताप हो जाता है 2 गुना। नेक्स्ट है, व्हीट स्टोन सेतु से मापा जाता है उच्च तथा निम्न दोनों प्रतिरोध। नेक्स्ट है आपका, किसी सेल का वी व बल मापा जा सकता है विभव मापी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है, तो वह ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल के बराबर होता है उसका परमाणु भार। आगे का क्वेश्चन है हमारा, किसी चालक के में आवेश एक स्थान से किसी अन्य स्थान को प्रवाहित होता है, तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विद्युत धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वह विद्युतीय स्तर जिससे यह ज्ञात होता है कि धारा का प्रवाह जिस तरफ हो रहा होता है वह कहलाता है विभव। और फ्रेंड, जो बच्चे UPPCL TG2 यानी टेक्नीशियन Grade 2 वाले देख रहे हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे आपके परीक्षा में, तो वो एंड तक जरूर देखें वीडियो को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है और ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों के लिए भी बहुत अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह भौतिक राशि जिसके कारण चालक से धारा के प्रवाह में रुकावट होती है तथा जिसका मात्रक ओम होता है वह कहलाता है प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी चालक तार के प्रति
इकाई अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा चालक की क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं धारा घनत्व कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है फैराड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायु में गोलीय चालक की धारिता संख्यात्मक रूप से बराबर होती है, वह है गोल की त्रिज्या के। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल रहा होगा, ये पूर्व राज्य एवं केंद्र की विभिन्न टेक्नीशियन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। तो ये फ्रेंड्स वो है प्रश्न जो बार बार रिपीटेड होते हैं टेक्निकल एग्जाम के क्वेश्चन में। चलिए शुरू देखते हैं आगे क्वेश्चन। जब समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ती है तो उसकी धारिता घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई संधारित्र उपलब्ध हो तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उन्हें जोड़ना चाहिए समांतर क्रम में। नेक्स्ट है, किसी चालक के आवेश का वह परिणाम जो उसके विभव को इकाई से बढ़ा देता है क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं चालक की धारिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र स्थिर संधारित्र होता है। नेक्स्ट है हमारा, ट्रिमर संधारित्र होता है समायोजनीय संधारित्र। नेक्स्ट है, संधारित्रों के किस सामूहिकरण में समतुल्य धारिता का मान बढ़ता है? तो वह है समांतर सामूहिकरण में। नेक्स्ट है, सौरामिक संधारित्र की कलर कोडिंग में पहली पट्टी व्यक्त करती है ताप का गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाई इलेक्ट्रिक संधारित्र में किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो तेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके द्वारा खोजी गई? तो वो खोजी गई थी फैराडे के द्वारा। नेक्स्ट है, लेज का नियम संबंध है ऊर्जा के संरक्षण सिद्धांत से। नेक्स्ट है, प्रेरकत्व का मात्रक है हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेरण कुंडली एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न की जाती है उच्च वोल्टा। नेक्स्ट है, किसी कुंडली की स्वप्रेरकत्व माप होती है विद्युतीय जड़त्व का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी बल रेखा के लंबवत तल में से गुजरने वाली बल रेखाओं की कुल संख्या कहलाती है चुंबकीय फ्लक्स। नेक्स्ट है आपका, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल कहलाता है चुंबकीय वाहक बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है लेंज का नियम। अगला है, किसी इंडक्टर द्वारा एसी प्रवाह के लिए प्रस्तुत किया जाने वाला विरोध कहलाता है प्रतिघात। नेक्स्ट है, किसी ट्रांसफार्मर के लिए द्वितीयक वाइंडिंग के प्रतिबाधा और प्राथमिक वाइंडिंग के प्रतिबाधा के अनुपात को कहते हैं प्रतिबाधा अनुपात। नेक्स्ट है आपका, ट्रांसफार्मर का क्रोड परतदार होता है जिससे भंवर धारा का मान कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति जो बोल्डता को बढ़ा देती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अपचयी ट्रांसफार्मर यानी सेट अप ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा दृष्टकारी की जा सकती है जिसके व्यवहार होता है डायोड वाल्व। नेक्स्ट है आपका, एसी परिपथ में शक्ति व्यय होती है प्रतिरोध में। अगला सवाल है हमारा, दो समांतर तारों से विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उसके नीचे लगने वाला बल होता है प्रतिकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के विक्षेप के मान ज्ञात किए जाते हैं लैंप स्केल व्यवस्था द्वारा। अगला सवाल है, एक माइक्रो एम्पियर की धारा द्वारा एक मीटर दूर स्थित स्केल पर उत्पन्न मिलीमीटर में जितना विक्षेप उत्पन्न होता है उसे कहते हैं धारा सुग्राहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर को किसी परिपथ के साथ जोड़ा जाता है वह है श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव से उत्पन्न ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है धारा के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी युक्त जिससे किसी चालक का प्रतिरोध मापा जाता है वह कहलाता है ओम मापी। अगला सवाल है, ऐसी युक्ति जिससे प्रत्यावर्ती धारा या दिष्ट धारा, वोल्टता धारा तथा प्रतिरोध मापा जाता है वे कहलाते हैं मल्टीमीटर एवं एवोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ की विद्युतीय ऊर्जा व्यय मापी जाती है वह कहलाता है वाट घंटा मीटर। नेक्स्ट है, ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की आवृत्ति मापी जाती है तथा जो अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है तरंग मापी। अगला सवाल है, धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। अगला है, ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रोड होते हैं इलेक्ट्रॉन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर इलेक्ट्रोड धारिता दोष दूर करने के लिए बनाया गया है टेट्रोड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेपरेसर ग्रिड होता है पेंटोड वाल्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड किरण नली का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन का एक महीन बीम उत्पन्न करता है कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व नंबरिंग में मध्य के एफ अक्षर का क्या अर्थ होता है बताना है, उसका मतलब होता है पेंटोड वाल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाल्व नंबरिंग में मध्य के अक्षर का अर्थ होता है डबल डायोड सूचना संसूचन। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश विद्युतीय प्रभाव समर्थन करता है प्रकाश की कण प्रवृत्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेडियो न्यूक्लाइड के अपक्षय नियतांक के व्युत्क्रम को कहा जाता है औसत आयु। नेक्स्ट और पार्ट सिक्स का लास्ट क्वेश्चन है, डबल डायोड पैटोड में होते हैं एक पैटोड। सो फ्रेंड, ये थे हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक से यानी इलेक्ट्रीशियन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि UPPCL TG2 और ट्यूबवेल ऑपरेटर के दोनों के सिलेबस में है। अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर की बात किया जाए तो वहाँ पर आपके सिलेबस में प्रतिरोध एक टॉपिक मेंशन है जो कि प्रतिरोध से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने डिस्कस किए, तो दोनों परीक्षार्थियों के लिए ये बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन थे फ्रेंड। और इसके आगे क्वेश्चन में पार्ट 7 में डिस्कस करूँगा क्योंकि हमारा 2500 वन लाइनर क्वेश्चन का ये MCQ सीरीज चल रहा है। और फ्रेंड, एग्जाम के आते आते हम 2500 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड, अगर आपके आपके एग्जाम में ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमारे चैनल पर जरूर विजिट करें, वहाँ पे पार्ट 5 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं टेक्निकल के क्वेश्चन। और ट्यूबवेल ऑपरेटर वालों के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपने प्ले लिस्ट का। वहाँ प्ले लिस्ट में 2 सितंबर तक मैंने आपका पेपर स्थगित हो गया, इसलिए हम फिर से चला रहे हैं टेक्निकल क्वेश्चन, वरना मैं 2 सितंबर तक पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा चुका हूँ। वहाँ पर आपका हिंदी और सामान्य बुद्धि परीक्षण, प्रारंभिक गणित और ट्रेड से संबंधित जितने भी टॉपिक मेंशन थे, टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, तो उनके लिए प्लेलिस्ट में कम से कम 60 से 70 वीडियो पड़े हुए हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए। तो उस प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें, बहुत सारे वहाँ पे कंटेंट है आपके लिए, बहुत अच्छी वीडियो, सारे वीडियो को देखिएगा। एग्जाम बहुत जल्दी ऑर्गेनाइज होगा आपका। और फ्रेंड, इसका नेक्स्ट पार्ट कल अपलोड होगा। सो फ्रेंड, हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस ना करें। और जिन लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड, और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी।